नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसी न्यूज और आपके साथ मैं काजल शर्मा। हिमाचल में मोदी बोले कि कांग्रेस और करप्शन को कोई अलग नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कहा कि आपका प्यार मुझ पर कर्ज है, इसे ब्याज सहित चुकता करूंगा। पीएम ने कहा कि इस बार हिमाचल के सामने नया इतिहास रचने का अवसर है। उनके मुताबिक कांग्रेस और करप्शन को कोई अलग नहीं कर सकता। मोदी ने कहा कि इस बार 3/4 बहुमत से भाजपा की सरकार आ रही है। यहाँ भाजपा सरकार बने और जिन्होंने हिमाचल को लूटा है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। चुनाव तो हमने बहुत देखे, हिमाचल के चुनाव भी देखे, लेकिन जनता जनार्दन का इतना उत्साह उमंग देखने को ही बनता है। मैं सोच रहा था कि चुनाव के आखिरी सप्ताह में हम है, 9 तारीख को मतदान होने वाला है, आमतौर पर जो सीनियर मोस्ट वरिष्ठ लीडर होते हैं वो चुनाव के आखिरी दिनों में धुआंधार प्रचार करते हैं, लोगों के बीच जाने का प्रयास करते हैं। ये पहली बार नजर आ रहा है कि कांग्रेस के केंद्र के सारे नेता हिमाचल में कोई आ ही नहीं रहा है। मैदान छोड़ दिया है, उन्होंने पराजय स्वीकार कर लिया है। पटना में गंगा स्नान के दौरान डूबने से 8 लोगों की मौत और कई लोग लापता हो चुके हैं। हादसे के शिकार बने सभी लोग मिर्जापुर नोहटा इलाके के ही रहने वाले हैं। हादसा फतुहा में मस्ताना घाट के सामने हुआ। वे सभी लोग गंगा की रेत पर पिकनिक मनाने गए थे। पुलिस के अनुसार 8 शव बरामद कर लिए गए हैं। अभी लोगों की तलाश जारी है। घटना के बाद से इलाके में कोहराम मचा हुआ है। स्थानीय लोग राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम के साथ वरीय अधिकारी और पुलिस टीम पहुंच चुकी है और बाकी लापता लोगों की तलाश की जा रही है। गुजरात और हिमाचल के चुनावी मौसम में कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर कोई भी निशाना साधने का मौका नहीं गंवा रही है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से महंगाई पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल ने एक वेबसाइट की खबर को शेयर करते हुए लिखा कि गैस, राशन सब महंगा हो गया है और अब खोखले भाषण देना बंद करना चाहिए। उन्होंने लिखा कि सरकार जनता को काम दे, नहीं तो सिंहासन छोड़ दे। मैरीकॉम ने भारत का मेडल किया पक्का। एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में बनाई जगह। 5 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरीकॉम ने अपना स्वप्निल सफर जारी रखते हुए एशियन महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में जगह बनाने के लिए भारतीय मुक्केबाज का सामना जापान की सुबासा कोमुरा से होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनएनसी न्यूज़।